स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाडूंगी विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट का मनाया गया जन्मदिन। कॉर्बेट समिति और विभागीय लोगों ने किया माल्यार्पण। विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट के 140वें जन्मदिन पर कालाडूंगी में कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने कॉर्बेट संग्रहालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ कालाडूंगी और छोटे हल्द्वानी गाँव के लिए दिए गए कॉर्बेट के सहयोग के लिए उन्हें याद किया गया। समिति द्वारा कॉर्बेट के गांव छोटे हल्द्वानी में पौधारोपण किया गया और बच्चों के बीच ऑनलाइन प्रतियोगिता भी कराई गई। कालाडूंगी में आज भी जिम कॉर्बेट का अपना घर है और उनका बसाया हुआ छोटा गांव हल्द्वानी है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से तमाम पर्यटक आते रहते हैं। उनके गाँव के लोग आज भी उन्हें मसीहा के रूप में मानते हैं। कालाडूंगी संवाददाता जाहिद हबीब की रिपोर्ट। गर्मियों में इनका नैनीताल में आवास था कॉर्बेट साहब का, जिसे आज गर्मी हाउस के नाम से आयरपाटा में स्थित है। कॉर्बेट साहब ने नेचर के बारे में हम लोगों को नेचर के बारे में सिखाया और कंजर्वेशन की बात, उस ज़माने में कंजर्वेशन की बात कॉर्बेट साहब ने शुरू करी थी, जिस ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था कि आज हमें 100 150 150 साल बाद जाके आज हमें कंजर्वेशन के महत्व को समझना पड़ रहा है। लेकिन कॉर्बेट साहब ने उस ज़माने में कंजर्वेशन की बात शुरू करी थी। आपने ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस वक्त के गवर्नर जनरल वेलकम हेली को आपने प्रेरित किया। आज हम लोग जिम कॉर्बेट का ये 146वां जन्मदिन मना रहे हैं और ये कॉर्बेट ग्राम विकास समिति हमेशा से मनाते आ रही है यहाँ पर कालाडूंगी में, तो उसी क्रम में हम लोग इस साल भी जो है 146वां जन्मदिन जो मना रहे हैं। ये कोरोना की वजह से हम लोग इस साल भी जो है थोड़ा सा अल्प कुछ मतलब कमी लोग आ रहे हैं बुलाए हैं, तो माल्यार्पण हम लोग कर रहे हैं आज। और यहाँ के लोग उनको काफ़ी मानते थे, छोटी हल्द्वानी के लोग मानते थे, कालाडूंगी के लोग मानते थे, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने कालाडूंगी और छोटी हल्द्वानी और आसपास के एरियाज़ के लिए काफ़ी कुछ काम किए हैं यहाँ पर, तो लोग उनको मसीहा के रूप में मानते हैं। दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं और इसमें कार्यक्रम बहुत ही सूक्ष्म रूप में हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए रखा हुआ है। बच्चों की भी ज़्यादा संख्या हम लोगों ने नहीं ली हुई है, तो एक सादगी से हम लोग जो है इसको 146वां मना रहे हैं। और इसमें जो है अभी सवेरे अभी हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से अधिकारीगण यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हमारे नगर के प्रथम व्यक्ति पुष्कर कतुरा जी जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके उपरांत जो है यहाँ पे कॉर्बेट की को माल्यार्पण किया जाएगा, उसके बाद सूक्ष्म जलपान, उसके बाद कॉर्बेट ग्राम विकास समिति से एक पूर्व रिटायर्ड DFO साहब हैं हमारे पंजी, जो प्रत्येक वर्ष जो है एक चल वैजयंती की एक ट्रॉफी जो है एक गरीब परिवार को 1000 रुपये की वो देते हैं, एक वो प्रोग्राम है। तीसरा हमारा प्रोग्राम जो है हमारे जो नेचर क्लब के बच्चे हैं, उन बच्चों ने जो है कुछ पेंटिंग बनाई हुई हैं वन्य जीवों से संबंधित, तो एक उसका अवलोकन है, उसके बाद उनको प्राइज़ और वितरण और उसके बाद समापन की ओर रहेगा। तो जिम कॉर्बेट का ये जो गांव है, ये जिम कॉर्बेट ने 221 एकड़ ज़मीन जो है गुमान सिंह बरुआ नाम के व्यक्ति से ख़रीदी थी और यहाँ पे वो रहे, यहीं से उन्होंने आदमखोर मैनेजरों का शिकार भी किया। और छोटी हल्द्वानी जो गांव है वहाँ पे 40 परिवारों को ला करके उन्होंने जो है उसको यहाँ पे बसाया, खेती के लिए उनको प्रेरित किया। वन्य जीवों से संबंधित उनका बहुत लगाव था, तो वन्य जीवों के ऊपर उन्होंने बहुत बचाव के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पर्यावरण संरक्षण, पहले पर्यावरण विद्या वो जिम कॉर्बेट रहे, एक महान लेखक भी रहे, एक महान शिकारी भी रहे। तो छोटे हल्द्वानी के लोगों का उनके ऊपर, छोटे हल्द्वानी के लोगों को हमेशा जो है स्नेह